नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस महान पर्व के दौरान पटना का माहौल देखते बनता है। बहुत सारे सड़कों पर, मोहल्लों में बहुत सारी पूजा समितियों द्वारा पूजा सामग्री का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और सड़कों की सफाई व्यवस्था, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग इस दौरान आर्य कुमार रोड, मछुआ टोली से गुजरते हुए पटना कॉलेज जा रहे हैं, और जिस तरह हमें सब जगह सभी रोडों की सफाई देखने को मिल रही है, इतने अच्छे डेकोरेशंस देखने को मिल रहे हैं, पूरी व्यवस्था, लोग एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं, पूरे रास्ते में दूध, अगरबत्ती और इस तरह की पूजा सामग्री लोग बांटते हैं। डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देने हम लोग पटना कॉलेज स्थित कृष्णा घाट गए थे। वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था, सड़कों पे आने जाने की व्यवस्था, पुलिस थी वहाँ पे, वॉलंटियर्स थे वहाँ पे। पटना में गंगा ड्राइववे का कंस्ट्रक्शन 2013 से स्टार्ट हुआ है और जून 2020 तक कंप्लीशन डेट है इसका। बट जैसा कि आप देख सकते हैं, 2020 छोड़ दीजिए, जून 2021 तक भी ये कंप्लीट होने वाला नहीं, क्योंकि बिहार में जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, आई डोंट थिंक कि कोई भी प्रोजेक्ट टाइम पे कभी कंप्लीट हुआ है। और लाइक अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, ये भी टाइम पे तो कभी कंप्लीट होने वाला नहीं। वी जस्ट होप कि 2021 या 2022 तक ये पुल बनकर तैयार हो जाए, ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो। आई थिंक इस पुल की टोटल लंबाई 21-22 किलोमीटर के आसपास है। 4-लेन पुल है ये, जो कि दीघा से दीदारगंज तक है। हाँ, जब ये पुल बन जाएगा तो लोगों को बहुत सहूलियत होगी कहीं आने जाने के लिए। बट अंटिल इट गेट्स कम्प्लीटेड, वी हैव टू वेट, बिकॉज ये जून 2020, जैसा कि हाल ही में मैंने न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा था कि इसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कम्प्लीसन जून 2020 है। वी कैन सी, आप देख सकते हैं, कुछ नहीं होने वाला है अभी तो।
हमें भले ही 2-3 साल वेट करना पड़े, बट होप कि 2-3 साल बाद हमें एक अच्छा ब्रिज मिले ताकि पटना में ट्रैफिक की कंडीशंस कुछ इम्प्रूव हो। बहुत सारे लोग अब घर पर ही अर्घ दे देते हैं, बट घाटों पर इस तरह की भीड़ देख के पता चलता है कि लोग अभी भी घाट पर आना पसंद करते हैं और सब लोग साथ मिलकर काफ़ी हर्षोल्लास से घाट पर डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। किसी प्रकार की संदिग्ध लावारिस वस्तु के पाए जाने पर इसकी सूचना तुरंत दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, जिला नियंत्रण कक्ष को दे तथा बैरिकेड के आगे नजर सुरक्षा जांच एवं आपके परिवार की सुरक्षा हेतु अनिवार्य है, अतः सुरक्षा जांच में सहयोग करें। किसी प्रकार के संदेह लावारिस वस्तु के पाए जाने पर इसकी सूचना तुरंत सभी नियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, जिला नियंत्रण कक्ष को देने तथा उचित छुए आराम से धीरे धीरे निकलिएगा। खड़ा ना रहे, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाएं, खड़ा ना रहने दें, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाएं, दौड़े वाले भाई को दिक्कत ना हो। करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत तो नहीं, कम से कम तो खासा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल हो सकता है। सो प्लीज़ माय फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर न्यू चैनल। होप यू लाइक इट एंड वी कीप ब्रिंगिंग यू न्यू वीडियोज़।